नारायण शर्मा 104वां रैंक है और ये एक तरह से पहले मेंस के टर्न में टॉपर आईएएस में आ गए हैं, और इनकी बात सुन के लग रहा है कि जिला अच्छा संभाल लेगी जैसा ये बात कोई इस पे आशंका की बात है नहीं। जो दूसरे में चलो कोई बात नहीं, अपन नहीं हो पाया 2019 में, अपन ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो थोड़ा पढ़ लेंगे 2020 में, थोड़ा पढ़ के गया, उससे भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने ये समझा कि यूपीएससी कोई भी पेपर लेता है तो उसके पीछे उसका कोई सोच है, और आपको हमें से प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है। अगर सी सेट है तो उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है जैसे आप जीएस को लेते हो, तो उसमें आप हमेशा कमांड जब तक नहीं करोगे, हो सकता है कि आपके 150 मार्क्स आ जाएं आउट ऑफ 200, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार ज़्यादा हो गया सी सेट का जीएस का। आपको दोनों पेपर्स पे क्या एक बराबर फोकस रखना है। फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सी सेट। सेकेंड कि इस जर्नी में आपने ये देखा होगा कि बार बार आप डीमोटिवेट होते हो, जैसे मेरा 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो हो सकता था कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट में ये सोचता कि यार अपना तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा, ये नर्वसनेस मुझे भी आई थी, लेकिन हर बार आपको खड़े होना पड़ता है और बाहर से आपको मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा। वो वाला मोटिवेशन आपके लिए 4 दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा, फिर बाद में आप क्या करोगे इधर उधर फुल मोटिवेशन ढूंढोगे। एज ए ये जो सर्विस है यूपीएससी, इसमें यूपीएससी का जो पैटर्न बना हुआ जो मैंने समझा बाद में, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन इसमें मैंने समझा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो या बड़ी बड़ी पोस्ट को होल्ड करने जा रहे हो, इसके लिए ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो बाहर से मोटिवेशन लेते रहे हमेशा लाइफ में, वो उनको ऐसे बंदे चाहिए जो इनर मोटिवेटेड रहे, कैसी भी परिस्थिति आए उसको फेस कर सके। तो आप इस पॉइंट को समझो। सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एटीट्यूड। होता क्या है कि जैसे आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, किसी आपके फ्रेंड ने कॉल किया कि आओ यार चाय पीते हैं थोड़े टाइम के लिए, चलो वो ठीक है कि आप थोड़े से टेंशन में हो, या फिर आपको लगता है कि यार सुबह से हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं थोड़े टाइम रेस्ट होना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को ऐसे जैसे आप मॉर्निंग में आए 11 बजे, कभी फ्रेंड ने कॉल कर दिया, आपके दिमाग में है कि चलो 11 बजे चलते हैं, फिर किसी दिन आपको 2 बजे बोल रहा है 2 बजे आप जा रहे हो, तो इसका आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आप कब क्या कर रहे हो, एक पूरा एक आप वो बनाइए पेज पे। जैसे मैंने क्या किया कि पहले मैं बनाता था अपना डायरी मेंटेन करता था जिसमें मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है शुरू के टाइम में आपको 1-2 महीने ऐसे बेकार लगेगा या आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे आपका एक ऑथेंटिसिटी आएगी खुद के लेवल पर कि यार मैंने सुबह से बैठा, 2 घंटे मेरे गप में चले गए, या फिर 2 घंटे हमने ये काम गलत किया, या दो ये मेरा टाइम